ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला में युवा शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन पहलों के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और खेल के क्षेत्र में युवा शक्ति को बढ़ावा देने की दिशा में क्या नई संभावनाएं खुली हैं। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। एसपी सिंह जी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। धन्यवाद। एसपी सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले 100 दिनों में युवा सशक्तिकरण के लिए क्या प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। देखिए, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल है, इसके पहले 100 दिन में एक पूरा टाइमलाइन सेट करके इस सरकार ने काम किया है, जिससे हर विभाग में, हर क्षेत्र में जो नई पहल की गई है या जो पुरानी डिसीजंस हैं उसमें जो आगे बढ़ी है सरकार, उसका एक ब्यौरा दिया गया है। अभी पिछले दिनों होम मिनिस्टर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सरकार की उपलब्धियां, जो 100 दिनों में उसकी जो पहलें थी, जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे, उन सबका एक विस्तार से जिक्र किया है। उसमें जो युवा और युवाओं के मामले में जो बताया गया या जो दौरा रखा गया, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की युवा पीढ़ी को कितना मजबूत बनाया जाता है, हमें लगता है इस सरकार ने युवाओं पर पूरा फोकस रखा है और युवाओं को तलाशने और उन्हें तराशने पर पूरा जोर दिया गया है। और ये जो 100 दिन का दौरा देखें तो उसमें ऐसा कुछ किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी देश की युवा पीढ़ी को कैसे मजबूत किया जाएगा, वो जो पहले की इसका जो रोड मैप है ऑलरेडी, तो 2047 में जो विकसित भारत का जो सपना देखा गया है या जो कह सकते हैं रोड मैप तैयार किया गया है, उस रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें युवाओं के आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाएगा, पहले उसमें इन्होंने सबसे पहला काम किया कि इसके लिए शिक्षण संस्थानों को मजबूत किया गया, क्योंकि मानव संसाधन वहीं से तराशे और तलाशे जा सकेंगे जिससे देश मजबूत और विकसित दिशा में बढ़ेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटीज, IIMs, IITs, एम्स और मेडिकल कॉलेज की संख्या, समझिए कि अगर जब तक आपके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, उसमें कैसे युवा तलाशे और तराशे जाएंगे। तो इसके लिए सोचिए 2014 में जहां 783 यूनिवर्सिटीज थी, उनकी संख्या बढ़कर 1168 हो गई है। इसी तरह IIMs की संख्या अगर देखें, जहां सिर्फ 13 थी, वो 21 हो गई है। और इसी कार्यकाल में देखें तो जो 16 IITs थे पूरे देश में, उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। एम्स की संख्या और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को बेहद मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के युवा स्वस्थ नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ सकता। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में 88% का इजाफा हुआ है, वो 387 थे, उनकी संख्या आज बढ़कर 731 हो चुकी है। और मेडिकल सीट्स, उनकी संख्या में 75,000 का इजाफा किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि युवाओं को कैसे मजबूत तरीके से पढ़ाया और पढ़ा के उन शिक्षण संस्थानों में उन्हें तराशा जाए, ताकि वह आगे आने वाले देश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, या सेवा का क्षेत्र हो, सर्विस सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर्स हैं, उसमें हमें कुशल मानव संसाधन कैसे उपलब्ध होगा। सरकार का पूरा जोर इस पर रहा है और इन 100 दिनों में उन्हीं पहलों को, जो इनिशिएटिव सरकार ने पहले लिए थे, जो बनाया था, उसी को आगे बढ़ाया गया है। अभी आपने बात कही कि मेडिकल सीट्स भी लाई गई हैं 75,000, तो जो ये 75,000 मेडिकल सीट्स लाई गई हैं, तो इससे आप कैसे देखते हैं, स्पेशली मेडिकल के जो छात्र हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में ये कितना लाभदायक साबित होगा? इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि जो हमारे घरेलू डोमेस्टिक स्वास्थ्य, हमारे देश के युवाओं का, लोगों का स्वास्थ्य है, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उसके लिए पहले एम्स खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, ढेर सारे हॉस्पिटल्स, लेकिन उन हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर्स चाहिए। युवाओं के लिए अगर सीट्स नहीं होगी, नहीं तो हमारे देश के तमाम छात्र विदेशों में जाते हैं MBBS की, यानी डॉक्टरी की शिक्षा लेने, चिकित्सा की सुविधा लेने, पढ़ाई करने। हमारी विदेशी निर्भरता है, वो घट रही है। हम आज के तारीख में फार्मास्यूटिकल के मामले में दुनिया में
बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं दुनिया के। अगर हमारे पास डॉक्टर्स की सुविधा हो जाए, हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हो जाएं, तो एक तो हमारे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, और दूसरी जो हमारी आयात की निर्भरता है यानी विदेशों पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। इससे भारत में हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारा देश मजबूत होगा आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में, और समझिए कि सामाजिक तौर पर यह देश मजबूत होगा। अभी आपने बताया ही यूनिवर्सिटीज और आईआईएम्स, आईआईटीज, एम्स, पिछले 10 सालों में इनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ में एक और विश्वविद्यालय का नाम आता है, नालंदा। तो बिहार और इसके आसपास की शैक्षणिक विकास के लिए नालंदा परिसर का कितना महत्व है और अन्य छात्रों के लिए भी? देखिये, नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय है, यह सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, यह हमारे देश की शान है, यह हमारे देश की एक धरोहर है, एक विरासत है। हम अपनी पुरानी विरासत को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिस नालंदा की धमक पूरी दुनिया में हुआ करती थी, उस नालंदा को पुनर्जीवन देने का काम इस सरकार ने इसी 100 दिनों में किया है। अब सोचिए कि 19 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया और ये बिहार के राजगीर जिले में पड़ता है। ये बच्चे 2000 बच्चे इसमें पहली बार शिक्षा लेने के लिए प्रवेश पाए हैं और इसमें हॉस्टल्स की सुविधा है, बाकी जितनी भी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए एक विश्वविद्यालय में, उन सब की प्लानिंग है इसमें। पहले चरण में इसमें इसकी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, इसमें फैकल्टी क्लब, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जितनी भी जरूरतें होती हैं युवाओं को शिक्षा लेने के लिए, वो सारी सुविधाओं से यह लैस किया जा रहा है यह विश्वविद्यालय। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस 100 दिनों के बीच की। हमने बीते दिनों में देखा पब्लिक एग्जामिनेशंस में सार्वजनिक शिक्षा परीक्षाओं को लेकर के जो है कई बातें सामने आई और हमारे देश का युवा जो है खासतौर पे काफी लार्ज नंबर में अलग अलग एग्जामिनेशन परीक्षाओं के लिए वो बैठते हैं। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए ये अधिनियम एक लागू किया गया, इससे आप कैसे देखते हैं छात्रों के मनोबल को कैसे मजबूती मिलेगी? पिछले काफी लंबे समय से इस देश के विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात, भ्रष्टाचार की बात और पर्चा लीक और ढेर सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। और ऐसे यह एक लोगों का विश्वास उठने लगा था परीक्षाओं से। सरकार ने अपने इस 100 दिनों में पूरी मजबूती के साथ, प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ऐसी कानूनी व्यवस्था की जाएगी कि कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 50 बार या 100 बार सोचेगा। इसके लिए 21 जून 2024 को एक एक्ट बनाया गया जिसको द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के नाम से जाना जाएगा। और ये परीक्षाओं में लीक करना, मतलब पर्चा लीक करना या नकल करना या गड़बड़ी करना, किसी भी तरह की पूरी श्रृंखला में जो परीक्षा होती है, परीक्षा के पहले दिन से लेकर और नतीजा आने तक के बीच के किसी भी कड़ी में अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं और कानूनी प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करने से बच जाए। हमने बीते समय में देखा है कि ये सरकार स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के काफी आगे रही है और नए नए प्रयास सामने आते रहे। तो कौशल विकास की पहलों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विशेष कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है और कैसे इसको मजबूत किया जाएगा? देखिए, कौशल विकास एक ऐसी चीज है कि आप अपने देश के युवाओं को कुशल बनाते हैं, यानी पेशेवर कैसे बनाया जाए। स्कूल कॉलेज से बीच में भी पढ़ाई छोड़ के बच्चे निकल जाते हैं तो उनको कैसे नौकरी मिले, उन्हें कैसे बीच में स्किल किया जाए, उनकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल उनको मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए इस देश के 2024-2025 के आम बजट में संसद में हमारी वित्त मंत्री ने एक योजना पेश की कि कैसे देश के जो ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, 1000 ऐसे ITIs को अपग्रेड करने की बात की गई और वहां पे जो बच्चे, तकरीबन कम से कम 20 लाख बच्चों का एक प्लान किया गया, योजना बनाई गई है, ऐसे युवाओं को स्किलफुल बनाया जाए, उन्हें कौशल विकास से पूर्ण बनाया जाए ताकि उन्हें इंडस्ट्री में, सेवाओं में, जिन भी क्षेत्र में जिसकी जैसी जरूरतें हो उस जरूरतों के हिसाब से उनकी तैयारी की जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने अच्छा खासा बजट एलोकेट किया है। युवा को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, तो इसके लिए EIL, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, प्रधानमंत्री का इसके लिए बाकायदा पैकेज की घोषणा की गई कि इसमें इम्प्लाइज नौकरी करने जाते हैं कर्मचारी जो रोजगार पाना चाहते हैं और जो लोग रोजगार पर रखना चाहते हैं
ईपीएफ में जो उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है, जमा होता है, कुछ परसेंटेज कटता है जो इम्प्लायर देता है यानी कारखानादार देता है और कुछ कटता है कर्मचारी के तनख्वाह से, ऐसे में सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर दी कि नहीं, देश के 1 करोड़ ऐसे लोगों के लिए हर साल कम से कम 1 महीने की पूरी तनख्वाह के बराबर जो उनका जमा होता है ईपीएफ, वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसका यह मतलब कि न बोझ पड़ेगा कर्मचारी पर, उसकी तनख्वाह कटेगी, और न ही उसका हिस्सा कटेगा कारखानेदार का। इससे दोनों को फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेंगे। एक और बड़ी व्यवस्था की गई है, सरकार ने किया है कि जो लोग अभी सीधे आईटीआई करके या कहीं से प्रशिक्षण लेकर के प्रोफेशनल कोई डिग्री लेके अगर बाहर आते हैं तो सामान्य तौर पर उन्हें नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने सच में कहीं काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है, तो सामान्य तौर पर नहीं, ऐसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। सरकार ने इसके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 करोड़ युवाओं को ढेर सारी फैक्ट्रीज में उनमें इंटर्नशिप के लिए रखिए, प्राथमिक तौर पर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए उन पर नौकरी पर रखना है और सरकार की ओर से उस पर 5,000 रुपया प्रति माह सरकार उसे वेतन के तौर पर देगी। और ऐसे लोगों के लिए फायदा यह होगा कि जो कंपनियां उन्हें रखेंगी अगर उसमें से कुछ बेहतर लोग काम करने वाले होंगे तो एक तो उन्हें नौकरी वहीं मिल जाएगी, दूसरी अगर उन्हें वहां नहीं नौकरी करना है तो हो सकता है उससे बेहतर कहीं नौकरी मिल जाए। यानी युवाओं के रोजी रोजगार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस वर्ष पेरिस में आयोजित पैरालंपिक्स खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। सभी खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व की अनुभूति कराई और ये प्रदर्शन साबित करता है कि भारत किस तरह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं कि इस संदर्भ में भारतीय पैरा एथलीट सुहास यतिराज ने क्या कहा। देश के लिए हमेशा मेडल जीतना ये बहुत गर्व और खुशी की बात होती है। पहले सोचते नहीं थे कि कभी हम इंडिया के लिए खेलेंगे और मेडल जीतेंगे, तो इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड। प्रत्येक जिले में स्टेडियम बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ हो और प्रत्येक विकास खंड से एक मिनी स्टेडियम हो और ग्राम स्तर पर खेल का मैदान हो, इस दिशा में लगातार काम हो रही है। साथ में जो खिलाड़ियों को एबल बॉडी एथलीट हो या पैरा एथलीट हो, उनको जो सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट उनको निरंतर रूप से मिले, वो एकलव्य क्रीडा कोष के माध्यम से हो या अन्य स्कीम्स के माध्यम से हो। एसपी सिंह जी, संक्षिप्त में अब आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का विजन है विकसित भारत 2047। इस पहल को, इस लक्ष्य को पूरा करने में आप युवाओं की भागीदारी कितनी देखते हैं? देखिए, बिना युवाओं के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाना बिल्कुल नामुमकिन है या था या रहेगा। इसीलिए इस सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही कहा था जब पहली बार सरकार बना के आए थे कि हमारे देश के युवा ही हमारी पूंजी हैं और यही हमारी सफलता की कुंजी बनेंगे, भविष्य के कुंजी बनेंगे। ऐसे विकसित भारत के रोड मैप जब तैयार हुआ तो सबसे पहली कड़ी थे युवा, और इसके लिए इस सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहन देने की दिशा में से पहले इनको कैसे मजबूत और योग्य और स्किलफुल बनाया जाए, शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है, दूसरा वैज्ञानिकों के इनोवेशंस का ये कोई सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि हमारे युवाओं के अंदर ये पैदा हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरकार भी इस बात को समझती है, इसके लिए अलग से फंड क्रिएट किया गया है, सरकार ने किया, तो ये प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है कि युवा आगे बढ़ रहा है। हमें लगता है जिस तरह से युवाओं के लिए अवसर खुले हैं, युवा आगे बढ़कर उसके आगे भी बढ़ रहे हैं। हमें लगता है जो पिछले 100 दिनों की जो उपलब्धि है, आने वाले जो हमारे 4-5 साल हैं वो इतने बेहतर होंगे कि देश की समृद्धि में उनका योगदान अहम होगा। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये साफ है कि युवा भारत का भविष्य है और सरकार की नई पहलों से उन्हें एक नया अवसर मिला है। हमें उम्मीद है कि ये परिवर्तन युवाओं को प्रेरित करेंगे और उन्हें अपनी संभावनाओं को हासिल करने का मौका देंगे। तो अब श्रोताओं, वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का और एसपी सिंह जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए और सभी श्रोताओं के साथ इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला में युवा शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।